हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में होंडा साइन BS6 और TVS रेडियन BS6 के बीच में क्या डिफरेंस है और कितने सिमिलैरिटीज हैं वो आपको मैं बताऊंगा। और इसके साथ ही इन दोनों बाइक्स में से आप कंफ्यूज है कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, किस में क्या फीचर्स मिलते हैं और किसका कितना प्राइस है, ये सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में आपके दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, इस वीडियो को थोड़ा भी आप स्किप ना करिएगा, नहीं तो आप वो सारे पॉइंट मिस कर जाएंगे जो कि इस वीडियो में मैंने एक हर जगह बताया है कि इस मामले में कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले नंबर बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के कलर और डिजाइन की, जो कि सबसे बेसिक चीज होती है। होंडा साइन BS6 में आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें ब्लैक, जेनी ग्रे मेटेलिक, एथलेटिक ब्लू मेटेलिक और रेबल रेड मेटेलिक शामिल है। तो वही TVS रेडियन में आपको काफी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर इसका आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको केवल 2 ही कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें क्रोम ब्लैक और क्रोम ब्राउन शामिल है। तो वहीं इस बाइक का अगर आप ड्रम ब्रेक वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको पर्ल व्हाइट, मेटल ब्लैक, गोल्डन बीज, रॉयल पर्पल, वेल्केनो रेड और टाइटेनियम ग्रे शामिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TVS रेडियन में आपको काफी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये बात कर लेते हैं इनके डिजाइन की, तो आप होंडा साइन को देख सकते हैं, इसके टैंक पर होंडा का लोगो लगा हुआ है, जहाँ पे थोड़े बहुत ग्राफिक्स भी किए गए हैं। आपको ग्राफिक्स थोड़े से साइड पर और पीछे के साइड भी थोड़ा सा देखने को मिल जाते हैं। तो इसके फ्रंट साइड को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक वाइजर मिल जाता है। तो वही TVS रेडियन के डिजाइन की बात करें तो ये बाइक एक रेट्रो लुक वाली बाइक है, जिसमें कई सारे पार्ट क्रोम के दिए गए हैं। इसके टैंक पर आप देख सकते हैं साइड पर टैंक पैड भी लगा हुआ है और इस बाइक के फ्रंट में भी आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इन दोनों बाइक के डिजाइन। तो इन दोनों बाइक्स में से जिसका भी कलर और डिजाइन आपको अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको रेट्रो लुक वाली बाइक अच्छी लगती है तो आप TVS रेडियन को ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको साइन पसंद आ रही है तो आप उसको ले सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सी पसंद आ रही है। तो इन दोनों के फीचर्स के बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की। तो होंडा साइन में 124cc का 4 स्टॉक SI BS6 कंप्लाइंट प्रोग्रामड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो वहीं TVS रेडियन में 109.7cc का 4 स्टॉक ड्यूरालाइफ BS6 कंप्लाइंट इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। यहाँ पे ड्यूरालाइफ का मतलब है कंपनी कहती है इस बाइक में आपको अच्छी एक्सेलरेशन मिल जाती है और ये बाइक आपको एक अच्छी माइलेज भी देगी। तो वही होंडा साइन का ये इंजन 7500 RPM पर 7.9 किलोवाट का पावर और 6000 RPM पर 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो वही TVS रेडियन का इंजन 7350 RPM पर 6.03 किलोवाट का पावर और 4500 RPM पर 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। होंडा साइन में आपको 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिल जाता है, वही TVS रेडियन में 4 स्पीड तक गियर बॉक्स दिया गया है। और इन दोनों बाइक्स में आपको किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल बाइक आपको होंडा साइन मिल जाती है, क्योंकि इसमें 125cc का इंजन इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं TVS रेडियन 110cc सेगमेंट में आती है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको थोड़ी सी कम पावर देखने को मिल जाती है। अगर TVS रेडियन 125cc सेगमेंट में आती तो फिर शायद इस बाइक में 5 स्पीड तक गियरबॉक्स दिया गया होता। आगे बात कर लेते हैं इनके सस्पेंशन की। तो होंडा साइन के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। तो वही TVS रेडियन के फ्रंट में टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड शॉक ऑब्जर्वर और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर कंफर्टेबल की बात करें तो दोनों बाइक काफी कंफर्टेबल है। तो इन दोनों बाइक्स में अगर लंबी दूरी की बात करें तो आप लंबी दूरी होंडा साइन से कर सकते हैं। तो वही सिटी राइड के लिए TVS रेडियन काफी अच्छी है। आगे बात कर लेते हैं इनके टायर और ब्रेक्स की। तो होंडा साइन के फ्रंट और रियर में 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो वही TVS रेडियन के फ्रंट और रियर में 18 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो वही ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो होंडा साइन के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिलता है। तो वही इसके रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो वही TVS रेडियन के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिलता है। तो वही इसके रियर में 110mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स के टायर साइज में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो वही ब्रेकिंग सिस्टम में भी ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन होंडा साइन के रियर में TVS रेडियन के रियर के मुकाबले काफी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में थोड़ी सी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम आपको साइन में देखने को मिल जाती है। तो ये बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के कुछ फीचर्स की। तो होंडा साइन में आपको सेफ्टी के लिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, तो वही TVS रेडियन में सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। दोनों ही टेक्नोलॉजी का काम सेम है, बस इनके नाम में अंतर किया गया है। होंडा साइन में आपको हेलोजन DC हेडलैम्प मिल जाता है, तो वही TVS रेडियन में क्रोम बेजल हेडलैम्प LED DRLs के साथ दिया गया है। होंडा साइन में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिल जाता है। होंडा साइन में आपको इंटीग्रेटेड हेडलैम्प हाई बीम और पासिंग स्विच दिया गया है। तो वही TVS रेडियन में भी आपको लेफ्ट हैंडर बार पर हेडलैम्प हाई बीम स्विच और पासिंग स्विच दोनों मिल जाता है। होंडा साइन में आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन शो होते हैं और ये राउंड शेप का दिया गया है।
इसमें आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, फ्यूल की जानकारी मिल जाती है और इसमें कुछ इंडिकेटर लाइट्स भी दी गए हैं, जैसे कि इसमें आपको न्यूट्रल इंडिकेटर लाइट मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर लाइट भी मिल जाता है और हाई बीम इंडिकेटर भी दिया गया है। तो टीवीएस रेडियन में भी आपको एनालॉग मीटर मिलता है, लेकिन इसका एनालॉग मीटर थोड़ा सा स्क्वायर शेप का है, जो कि साइंस से आपको थोड़ा सा अलग देखने में लगेगा। इसमें आपको स्पीड की जानकारी मिल जाती है, फ्यूल की जानकारी मिल जाती है और इसमें भी इंडिकेटर्स लाइट दिए गए हैं, जैसे कि इसमें न्यूट्रल इंडिकेटर लाइट, टर्न इंडिकेटर लाइट और हाई बीम लाइट भी दिया गया है। और इस डैशबोर्ड पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी दिख जाता है और इस बाइक में साइड स्टैंड बीपर भी दिया गया है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफी अच्छा है। होंडा साइन में आपको बोल्ड फ्रंट वाइजर देखने को मिल जाता है, तो वही टीवीएस रेडियन को आप फ्रंट से देख सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रोम पार्ट दिया गया है, जो कि इस बाइक को थोड़े से स्टाइलिश बना देता है। होंडा साइन में आपको ESP टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कि बाइक और भी स्मूथ चलती है। ये टेक्नोलॉजी आपको टीवीएस रेडियन में देखने को नहीं मिलती है। होंडा साइन में साइड पर आपको क्रोम स्ट्रोक देखने को मिल जाता है, इंजन के थोड़ा सा ऊपर और टैंक के थोड़ा सा नीचे। तो वही टीवीएस रेडियन में आपको क्रोम मेटल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। होंडा साइन में आपको ग्रैब रेल मिल जाता है, तो वही टीवीएस रेडियन में भी आपको ग्रैब रेल मिलेगा और इसमें आपको कैरियर भी पीछे दिया गया है। टीवीएस रेडियन को आप किसी भी गियर में स्टार्ट कर सकते हैं, होंडा साइन को भी किसी भी गियर में स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी मैकेनिक से मिलकर आपके बाइक में थोड़ी सी सेटिंग करानी होती है। टीवीएस रेडियन में आपको लेडी पिलियन हैंडल और हुक भी दिया गया है, जो कि होंडा साइन में आपको कोई भी हुक देखने को नहीं मिलेगा। होंडा साइन में आपको साइलेंट स्टार्ट विद ACG मोटर मिलता है, जिससे कि बाइक स्टार्ट होते हुए ज्यादा आवाज नहीं करती है। ये फीचर आपको टीवीएस रेडियन में नहीं मिलेगा। टीवीएस रेडियन में USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, लेकिन USB चार्जिंग पॉइंट आपको होंडा साइन में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो एक्सेसरीज के तौर पे अलग से लगवा सकते हैं। तो ये था इन दोनों बाइक्स के कुछ बेसिक फीचर्स, जिसके डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन दोनों में से जिसका भी फीचर आपको अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के माइलेज और टॉप स्पीड की, लेकिन माइलेज और टॉप स्पीड बताने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं जो भी माइलेज और टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा कम भी हो सकता है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप बाइक को कैसे चलाते हैं और कैसे मेंटेन करके रखते हैं। तो होंडा साइन में आपको 60 से लेकर 65 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगा, तो वही टीवीएस रेडियन में आपको 65 से 70 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल सकता है। तो वही टॉप स्पीड की बात करें तो होंडा साइन की टॉप स्पीड लगभग 100 KMPS तक है, तो वही टीवीएस रेडियन की 95 KMPS तक है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में आपको थोड़ी सी अच्छी माइलेज टीवीएस रेडियन में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे होंडा साइन की टॉप स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये 125cc सेगमेंट में आती है, जिससे कि इसका पावर और टॉर्क टीवीएस रेडियन से थोड़ा सा ज्यादा भी है। आगे बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, तो होंडा साइन की लेंथ 2046 mm विथ 737 mm, हाइट 1116 mm, व्हील बेस 1285 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm, सीट हाइट 791 mm, सीट लेंथ 651 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर और इसका कर्व वेट ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 114 kg है और डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 115 kg है। तो टीवीएस रेडियन BSX का लेंथ 2025 mm विद 705 mm, हाइट 1080 mm, व्हील बेस 1265 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर और इसका कर्व वेट ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 116 kg है और डिस्क ब्रेक वेरिएंट का 118 kg है। यहाँ पे टीवीएस रेडियन का सीट हाइट मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियली अभी तक इसका सीट हाइट नहीं बताया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी सीट हाइट लगभग 800 mm तक है। तो इन दोनों बाइक्स की आप ग्राउंड क्लियरेंस भी देख सकते हैं। टीवीएस रेडियन की ग्राउंड क्लियरेंस होंडा साइन के मुकाबले काफी अच्छी है। टीवीएस रेडियन को थोड़े से खराब रोडों पे भी अच्छे से चलाया जा सकता है। तो इन दोनों बाइक्स में टीवीएस रेडियन आपको थोड़ी सी भारी भी मिल जाती है, तो आपको थोड़ी सी अगर हैवी बाइक चाहिए तो आप टीवीएस रेडियन को ले सकते हैं, लेकिन वही चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी हल्की बाइक चाहिए तो आप होंडा साइन को ले सकते हैं। हालांकि इनके वेट में भी आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। आगे बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यानी कि इनके प्राइस की। तो होंडा साइन आपको टोटल दो वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो होंडा साइन बेसिस का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट का 68,812 rupees यानी कि 68,812 rupees तक है, तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 73,512 rupees यानी कि 73,512 rupees तक है। अगर इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट 79,000 rupees तक यानी कि 79,000 rupees तक मिल सकती है, तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस 85,000 rupees तक यानी कि 85,000 rupees तक हो सकती है। तो टीवीएस रेडियन बेसिस का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस ये आपको तीन वेरिएंट मिलता है, तो इसका बेस एडिशन 59,942 rupees यानी कि 59,942 rupees तक मिल जाएगा, तो इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 62,942 rupees यानी कि 62,942 rupees है, तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 65,942 rupees यानी कि 65,942 rupees तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो इसका बेस एडिशन 73,400 rupees तक यानी कि 73,400 rupees तक मिल सकता है, इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट 76,700 rupees तक यानी कि 76,700 rupees तक मिल सकता है, तो इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट 80,100 rupees यानी कि 80,100 rupees तक मिल सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में आपको थोड़ी सी सस्ती टीवीएस रेडियन मिल जाती है,
तो आप अपना थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं या फिर आपको थोड़ी सी सस्ती बाइक चाहिए तो आप TVS Radeon को ले सकते हैं, या फिर डिपेंड आप पे करता है कि आपकी बजट कितनी है और आपको पसंद कौन सा आ रहा है, तो आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से बाइक्स को चूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जो भी एक्सरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस बताया हूं, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे इन बाइक्स का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या फिर कम भी हो सकता है, तो आप एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस आप अपने नजदीकी शोरूम पे पता जरूर कर लीजिएगा। तो इन दोनों बाइक्स में आपको थोड़ी सी मैं पॉइंट बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी कि कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो अगर आप सिटी राइड के लिए बाइक लेना चाहते हैं, ज्यादा माइलेज के साथ बाइक लेनी चाहते हैं, तो आप TVS Radeon को ले सकते हैं। तो वहीं आप थोड़ी सी लंबी दूरी के लिए और हाईवे पर चलाने के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो फिर आप होंडा साइन को ले सकते हैं। इस बाइक की सीटिंग पोजीशन काफी अच्छी है, इसमें आपको काफी कंफर्टेबल का एहसास भी होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इन दोनों बाइक से रिलेटेड इस वीडियो में मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन दोनों बाइक्स में आपको कौन सी पसंद आई या फिर आप कौन सा लेने वाले हो या फिर आप कौन सा यूज करते हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।